चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कांग्रेस के विरोध पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस बिना किसी बात के माहौल खराब कर रही है और अगर भाजपा ने विरोध प्रदर्शन शुरू किया तो कांग्रेस नेता कहीं नहीं जा पाएंगे। कोरोना को लेकर सारंग ने कहा कि प्रदेश में कोरोना मरीजों को ऑक्सीजन की कमी नहीं होने देंगे। कांग्रेस में प्रत्याशियों को लेकर हो रहे विरोध पर सारंग ने चुटकी लेते हुए कहा कि जब बाहरी लोगों को प्रत्याशी बनाया जाएगा तो विरोध तो होगा ही। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि विरोध प्रदर्शन कांग्रेस के प्रायोजित हैं, इस पे आम जनता का कोई हाथ नहीं है। कांग्रेस ने सत्ता में रहते जनता के लिए कोई कार्य नहीं किया और अब जब कमलनाथ के बुढ़ापे का आराम छिन गया है तब ये सब इस तरह की हरकतें करा रहे हैं, लेकिन चुनाव में इस तरह के प्रोपेगेंडा काम नहीं आता। सारंग ने कोरोना को लेकर कहा कि कोरोना मरीजों के इलाज में कमी नहीं होने दी जाएगी, ऑक्सीजन की पर्याप्त व्यवस्था की जा रही है, इसके साथ ही ऑक्सीजन की क्षमता को भी बढ़ाया जा रहा है, ऑक्सीजन निर्माता कंपनी को मध्य प्रदेश में भी लाया जा रहा है। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशियों के विरोध को लेकर कहा कि कांग्रेस में अध्यक्ष से लेकर प्रत्याशी सभी इम्पोर्टेड हैं तो विरोध तो होगा ही। कांग्रेस का प्रायोजित ये पूरा कार्यक्रम है जिसमें जनता का या नागरिकों का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ये कांग्रेस बिना किसी बात के माहौल ख़राब करना चाहती क्योंकि उन्हें लगता है कि जनता उनके साथ नहीं है। इस तरह के विरोध प्रदर्शन तो हम भी करवा सकते हैं और यदि ऐसी बात करेंगे तो फिर कोई कांग्रेस का नेता कहीं घुस ही नहीं पाएगा। पर हम मध्य प्रदेश में राजनीति को गलत रंग नहीं देना चाहते। ये जिस प्रकार की हरकतें कांग्रेस के नेता कर रहे हैं ये ठीक नहीं थी। अपनी खींच मिटाने के लिए सरकार जाने के बाद अपनी दुकान बंद होने का दुख उनके इन प्रदर्शनों से प्रकट हो रहा है। 15 महीने आप सरकार में थे, आपने जनता की चिंता नहीं की। 15 महीने यदि चिंता कर लेते तो मध्य प्रदेश की जनता आपकी चिंता कर लेती। पर अब जब आपको लगता है कि सरकार हाथ से चली गई, कमलनाथ जी को लगता है कि बुढ़ापे में जो ऐशो आराम था वो छिन गया, तो इस तरह की हरकतें करा रहे हैं। पर राजनीति में, लोकतंत्र में और चुनाव में इस तरह के प्रपंच बहुत काम नहीं आते। ये केवल और केवल माहौल बिगाड़ने का काम है। भारतीय जनता पार्टी अनुशासन में काम करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि हमारी जो पुरानी परंपराएं हैं मध्य प्रदेश में शुचिता की राजनीति, वही हम आगे बढ़ाएं। इस तरह के विरोध प्रदर्शन केवल और केवल कांग्रेस के हक में पहले से कहते आए हैं कि मध्य प्रदेश में कोरोना से संबंधित किसी भी व्यवस्था में दुर्व्यवस्था नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी पूरी मुस्तैदी के साथ रोज समीक्षा कर रहे हैं। हम सबको ये निर्देश दे रहे हैं कि कोरोना से संबंधित किसी भी व्यवस्था में कोई कमी ना रहे। ऑक्सीजन को लेकर 3 दिन पहले भी जो कन्फ्यूजन था उसको दूर कर दिया गया था। महाराष्ट्र सरकार ने जरूर ये निर्णय लिया था, पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी से भी ये बातचीत की थी कि मध्य प्रदेश की सप्लाई को ना रोका जाए। पर उसके साथ साथ आइनॉक्स कंपनी जो कि महाराष्ट्र के प्लांट से 20 टन हमें ऑक्सीजन देती थी उससे बात की थी और यूपी और गुजरात के प्लांट से हमें ऑक्सीजन की आपूर्ति शुरू हो गई थी, सेल से भी हमें मिलने लगी। तो ये जो 3-5-7 दिन पहले ही जो कन्फ्यूजन था उसको दूर कर दिया गया था। मध्य प्रदेश में किसी भी स्थान पर जहाँ कोरोना मरीजों का इलाज हो रहा है, चाहे वो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल हो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल हो, वहाँ कहीं भी ऑक्सीजन की कमी नहीं है। और हमने एक कंट्रोल रूम भोपाल में बनाया है जो कि केवल और केवल ऑक्सीजन की आपूर्ति पर ही पूरी ध्यान दे रहा है। और केवल ऑक्सीजन नहीं, मैं पहले भी कहता आया हूँ कोरोना संकट भीषण है, लगातार बढ़ रहा है, परंतु मध्य प्रदेश की सरकार मुस्तैदी के साथ तैयारी में लगी है। हमने पहले फेज में अभी 31 अक्टूबर तक का जो हमारा एस्टिमेटेड रोगियों की संख्या लगती है उस हिसाब से अभी से व्यवस्था पूरी कर ली है। हम 15 दिन बाद फिर से इवेल्यूएट करेंगे। अब देखिए कांग्रेस तो हर चीज़ में राजनीति कर रही है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश की आबो हवा को ठीक किया है। पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने देश की अर्थव्यवस्था से आम आदमी को जोड़ा है। पहली बार कोई प्रधानमंत्री लोगों के बीच जाकर हर स्तर पर उसकी सेवा करने का संकल्प लेता है।
इनके इस तरह के नकारात्मक राजनीति का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये लोग इसलिए दुखी हैं कि नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद कांग्रेस के नेता जरूर बेरोजगार हो गए, उनका भ्रष्टाचार खत्म हो गया, उनका अनाचार खत्म हो गया, उनकी राजनीतिक रोटी सिकना बंद हो गई। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।